कंपाउंड्स और मिक्सचर में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताऊं क्या पढ़ते हैं। कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो पहले क्या बात करते हैं, सिमिलैरिटीज यानी कंपाउंड्स और मिक्सचर में समानता क्या क्या होती है। तो कंपाउंड यहां पर, मिक्सचर यहां पर है। ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। सॉरी, एक कंपाउंड क्या होता है, दो या ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। पता होगा ना आपको इससे, भाई ये सिमिलैरिटी है। क्या होता है कंपाउंड में, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। मिक्सचर क्या होता है, बिसाइड्स इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट मिलाने से बनता है। मिक्सचर किससे बनता है, दो एलिमेंट्स को मिला दो, दो कंपाउंड्स मिला दो, या एलिमेंट्स और कंपाउंड मिला दो, उसमें कोई भी मिला दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन है तो बात ये भी, वो ये किसे बनता है, दो एलिमेंट के मिक्सचर, दो एलिमेंट से फिक्स रेशियो में। और ये क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, या एलिमेंट्स और कंपाउंड का किसी भी रेशियो मिला दो। अगर आपको ये, और क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस कंपाउंड जो होएगा उसमें हर जगह से उसकी बनावट क्या होती है, एक सार। नमक का कोई टुकड़ा होता है वो यहां से भी उतना ही नमकीन होता है और यहां से भी उतना ही नमकीन होता है, उसमें होमोजेनिटी होती है। कंपाउंड हमेशा क्या होगा, होमोजेनियस। दूसरी तरफ मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस, मतलब कंपाउंड तो होमोजेनियस हमेशा होता है, मिक्सचर होमोजेनियस हो सकता है, ना भी हो लेकिन हो तो सकता है, ये एक समानता नहीं होगी। जैसे नींबू पानी है, वो सारे का सारा क्या होता है, होमोजीनियस। एक नींबू पानी की बाल्टी भरी है, उसमें यहां से भरो एक कप, वो भी उतना ही वैसा ही टेस्ट आएगा, या यहां से भरो वैसा ही टेस्ट आएगा, क्या अलग टेस्ट आएगा। लेकिन आपको पता, मिक्सचर हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने तेल और पानी मिला दिया तो वहां पर एक सा नहीं होता, ऊपर क्या होगा तेल ज्यादा, नीचे क्या होगा, सॉरी नीचे क्या होगा, ऑयल ज्यादा, ऊपर क्या होगा पानी ज्यादा, ऑयल और पानी अच्छे से नहीं मिलते। लेकिन ये होमोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस हो सकता है, ठीक है। एक कंपाउंड को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ सकते हो, किसी भी कंपाउंड को उसको बनाने वाले एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो वाटर है, वाटर को आप तोड़ सकते हो इसमें H2+ ½ O2 में तोड़ सकते हो। तो सिमिलरली मिक्सचर को भी उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनमें अलग अलग किया जा सकता है। आपको ऐसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पानी और नमक का मिक्सचर है, आप उसको उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, आप उसको हीट दे दो तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। तो पानी के जो कंपोनेंट, नमक और पानी का जो मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट है उनको भी अलग अलग किया जा सकता है। ये क्या है, इनकी सिमिलैरिटी। अब हम देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। बात जो कंपाउंड और मिक्सचर में, कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा एक खास अनुपात में होते हैं, वो अनुपात कभी भी नहीं बदलता। आपको कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, क्या वाटर, वाटर सिर्फ कब बनेगा, देखो इसका जो मास होता है ना वो होता है 16 यूनिट। आपको ये पढ़ाएंगे कैसे होता है, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, तो दो हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 16 क्या होता है, H2O में H और O का रेशियो, यानी 1:8। तो हम क्या बोलेंगे, वाटर हमेशा कब बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में चिपकेंगे तब बनेगा ना, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो कंपाउंड में जो कंपोनेंट होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, हमेशा फिक्स, वो बदलता नहीं। लेकिन अगर मान लिया मेरे पास पानी, जैसे जैसे वाटर के मैंने कंपोनेंट क्या बोलने हैं, H और O, वैसे ही नमक और पानी का जो मिक्सचर होता है उसे कंपोनेंट क्या होंगे, पानी और नमक, समझे बात। तो ये क्या है, एक मिक्सचर, ये एक कंपाउंड है, और दो कंपाउंड मिलके क्या बन गया मेरे पास, मिक्सचर।
तो जैसे कंपाउंड के कंपोनेंट क्या थे, एटम्स, कंपाउंड कंपोनेंट क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे ना, इस मिक्सचर कंपोनेंट क्या है, वाटर और NaCl, तो क्या ये एक खास रेशियो में होना चाहिए, किसी भी रेशियो मिला दो, आपको पता मिक्सचर में नमक और पानी आप किसी भी रेशियो मिला दो हमेशा क्या बनेगा, मिक्सचर। एक बाल्टी पानी में चाहे एक मुट्ठी नमक मिलाओ चाहे दो मुट्ठी नमक मिलाओ, मिक्सचर तो हमेशा बन ही जाएगा। इन मिक्सचर कंपोनेंट को खास रेशियो में होने की जरूरत नहीं होती, ये डिफरेंस है कि नहीं है। कंपाउंड हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस। मिक्सचर क्या हो सकता है, मे और मे नॉट भी होमोजीनियस, मैंने आपको बताया था। नमक और पानी का मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस, लेकिन ऑयल और पानी का मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस, वहां पर एक सी बनावट नहीं होती, इजंट इट। अब बताओ, ए कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड, ए कंपाउंड को आप उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, मुश्किल से, बहुत ज्यादा हीट देके, ये जो वाटर है ना इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ना, किसमें, हाइड्रोजन और में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपको बिजली सप्लाई करनी पड़ती है, या तो बिजली आपको पास करनी पड़ेगी, या आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, या आपको बहुत इंटेंस रेडिएशन, आपको लाइट आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। आसानी से कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा अलग अलग नहीं कर सकते, मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में अलग अलग करना बहुत आसान होता है। आपको कैसे कैसे, अरे भाई सिंपल है, नमक और पानी मिक्सचर है, उसको उड़ा दो, पानी उड़ गया, नमक नीचे रह गया, इजंट इट। या मान लिया हमारे पास क्या बोलते हैं, ऑयल और पानी का मिक्सचर, उसको आप उड़ाओगे तो एक क्या होगा, हल्का होगा, पहले क्या हो जाए, उड़ जाएगा, या आप उसे जमाओगे तो एक क्या क्या होगा, मतलब बात आपको पहले पड़ रही है, या ऑयल और पानी आपने मिला भी दिए तो थोड़ी देर रखने के बाद क्या हो जाएगा, ऑयल और पानी अलग अलग हो जाएगी, उसमें उनकी लेयर बन जाएगी, तो आप आसानी से ऊपर से क्या उतार ले उसका। जैसे आप लिखा होगा ना, ये भी एक तरह मिक्सचर होता है, जब आप उस दूध को मत देते हैं, समझे बात उसको भाई, तो उसमें जमान लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें घी और लस्सी अलग क्या होती है, उसको अलग से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं है आपको, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है बात। और बताओ, एनर्जी चेंज, जब कंपाउंड बनता है ना, कंपाउंड बनने के दौरान ज्यादा एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी चेंज का मतलब क्या है, या तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी कंपाउंड बनते हुए, या कंपाउंड बनाते हुए एनर्जी बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे आप जब H2 और O2 से क्या बनता है, वाटर, जब H2 प्लस O2 से क्या बनता है, वाटर बनता है ना इस रिएक्शन में, तो इसमें जबरदस्त गर्मी निकलती है, क्या, इससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, समझे बात। जैसे आपने जब दिवाली के ऊपर आप पटाखे चलाते हो ना, तो वहां पर जो धुआं निकलता वो कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड उस पटाखे में नहीं थे, वहां पर जब क्या हुई, रिएक्शन हुई ना, तो उसमें क्या बन गए, बहुत सारे कंपाउंड बन गए, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या निकलती है, हीट। तो कंपाउंड जब बनता है तो हीट निकल भी सकती है, गर्मी, और हीट सप्लाई भी करनी पड़ सकती है एनर्जी, और ज्यादा अमाउंट में होती है। लेकिन जब मिक्सचर बनते हैं तो वहां पर जो हीट चेंज आता है ना, जो एनर्जी में बदलाव आता है, वो बहुत थोड़ा होता है। कभी नींबू पानी बनाते हुए वेसल, जो बर्तन है, बहुत गर्म हो जाता है क्या, क्या नींबू पानी बनाते हुए बर्तन बहुत गर्म हो जाता है क्या, नहीं। लेकिन साबुन बनाते हुए बर्तन बहुत गर्म हो जाएगा, जब आप कास्टिक सोडा और ऑयल मिलाओगे ना, जब आप नमक और पानी मिलाओगे तो उसे मिक्सचर बनता है, तो उससे ज्यादा गर्मी नहीं निकलती। लेकिन आप जब किसको मिलाते हो, कास्टिक सोडा और पानी और ऑयल को, तो उसमें बहुत गर्मी निकलती, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या बनने लग रहा होता है, कंपाउंड। अंतर आपको पता लगा, अरे बोलो भाई, ठीक है। और क्या होता है, कंपाउंड्स आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इन मैटर। कंपाउंड कब बनते हैं, जब मैटर में क्या आता है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, कि वहां पर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते और टूटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जब मिक्सचर बनता है तो वहां पर क्या आते हैं, फिजिकल चेंज, वहां पर कोई बॉन्ड बनने का टूटेगा नहीं। आगे आपको, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं कंपाउंड्स के, बहुत शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई हमारे पास प्योर कंपाउंड है, जैसे नमक है, नमक एक प्योर कंपाउंड होता होगा ना, तो आप जब नमक को गर्म करोगे ना, तो एक खास तापमान पहुंचते ही नमक पिघल जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शार्प। जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस जाते ही उबल जाएगा, पता होगा ना आपको भाई, ना उससे ऊपर ना उससे
नीचे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते क्या हो जाएगा, उबल जाएगा नॉर्मल कंडीशंस पे, होता ना ऐसा, कोई मिक्सचर होता है ना जो उसका मेल्टिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा क्या होता है, उस पर उबलने लग जाए वो इतना शार्प नहीं होता, समझ गए बात, वहां पर हो सकता भाई, क्योंकि मिक्सचर में एक दो चीज मान लिया, मिक्सचर मान लिया दो चीजें, मतलब दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। अब कंपाउंड ए मान लिया मेल्ट होता है 400 केल्विन पे और कंपाउंड बी मेल्ट होता है 500 केल्विन पे, तो पहले कौन मेल्ट होगा, कंपाउंड ए, फिर कौन सा मेल्ट होगा, कंपाउंड बी, बात आपको पहले पढ़ रही है। तो यहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, आगे आपको तो बताओ, द चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर बनने के दौरान किस तरह के चेंज होते हैं बताओ रिस्पेक्टिवली, फिजिकल फिजिकल केमिकल, ये बता रहा है, ये बताओ कंपाउंड और मिक्सचर बनते हुए कैसे कैसे चेंज आते थे, कंपाउंड में आया था केमिकल और मिक्सचर में फिजिकल, तो कौन सा आंसर आएगा, केमिकल और फिजिकल, कंपाउंड के लिए केमिकल, मिक्सचर के लिए फिजिकल, आसान है कि मुश्किल है, वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।